दुष्ट वानर, तेरा ये दुस्साहस रावण के सम्मुख तुम असफल हुए नंदी। असफल नहीं स्वामी, पराजित हुआ। उसने मुझे युद्ध में पराजित किया। शिवांश से उत्पन्न नंदी को पराजित करने वाले को देखने की हमारी तीव्र इच्छा है। भोलेनाथ स्वामी। तो तुम हो रावण। शिवांश से उत्पन्न नंदी को पराजित कर तुमने मुझ शिव को प्रसन्न किया है। रावण, तुम्हारा बाहुबल प्रशंसनीय है। तुम कुशल पूर्वक तो हो। तो तुम ही हो शिव। आश्चर्य कि तुम मेरी कुशलता का समाचार पूछ रहे हो। अपने प्रिय भक्त नंदी की दुर्दशा नहीं देखी? गण प्रमुख नंदी को परास्त करने वाले रावण को देखने की तीव्र इच्छा ही तो हमें यहाँ खींच लाई। मुझ काल के समुख अपनी हर इच्छा पूर्ण कर ले शिव। वेद और नीति शास्त्र का महापंडित रावण किसी की भी इच्छा अपूर्ण नहीं रहने देता। हमें पहचानने में भूल न करो रावण। यदि तुम काल तो हम महाकाल। महाकाल? तब तो आज मेरे परश को युद्ध का पूर्ण आनंद मिलेगा। आनंद नहीं रावण, परम आनंद। किंतु ये कैलाश हमारा क्षेत्र है। यहाँ तुम हमारे अतिथि। मुझे अतिथि की नहीं, युद्ध की अभिलाषा है। हम तुम्हारी हर अभिलाषा पूर्ण करेंगे रावण। किंतु अभी तुम विश्राम करो। कार्य पूर्ति ही मेरा विश्राम है। शिव, त्रिशूल उठाओ। जैसी तुम्हारी इच्छा रावण। परशु उठाओ रावण।
लंकेश्वर रावण अभी थका नहीं होगा। उठाओ कंचे। विश्राम के इच्छुक हो रावण? नहीं, विश्राम नहीं, किंतु तुम युद्ध कहां करते हो? युद्ध के नाम पर खेल करते हो, जैसे पिता अपने पुत्र को, गुरु अपने शिष्य को युद्ध का शिक्षण दे रहा हो। किंतु तुम तो युद्ध करो। नहीं नहीं, ये युद्ध नहीं, युद्ध के नाम पर खेल है। और मुझसे युद्ध के नाम पर खिलवाड़ करने वाले, ये तो बताओ कि सचमुच तुम हो कौन? जब तक अहंकार का आवरण तुम्हारे नेत्रों पर छाया हुआ है, तब तक तुम मुझे पहचान नहीं सकते रावण। अहंकार का आवरण हटाने के लिए तुम्हें साधना की आवश्यकता पड़ेगी। साधना? तुम उसे नहीं समझ पाओगे रावण। यदि समझ गए तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरी बात का उत्तर दिए बिना तुम कहां चले गए शिव? मुझे बताओ कि तुम हो कौन? मूर्ख, तू अभी भी महाबलेश्वर शिव शंकर को नहीं पहचान पाया। मूर्खता ही तेरा परिचय है रावण। दुष्ट, इस समय मेरा चित्त उद्विग्न है, मुझे क्रोध न दिला, अन्यथा अन्यथा तू क्या साधना करने बैठ जाएगा? लंकेश्वर रावण साधना की नहीं शक्ति की भाषा ही समझता है। यदि तुम्हारे शिव ने मुझे स्वयं आकर अपना परिचय ना दिया तो मैं उनका ये निवास कैलाश पर्वत ही उखाड़ कर सागर में डुबो दूंगा। ऐसा दुस्साहस ना कर रावण, अन्यथा तू भस्म हो जाएगा। शिव कोप से अपनी रक्षा कर रावण। शिव ने मुझे अपना परिचय न देकर मेरा उपहास उड़ाया है। या तो शिव मुझे अपना परिचय दे, क्या मैं शिव का निवास कैलाश सागर में डुबो देता हूं। यह एक अहंकारी का अहंकार है जो खंडित होने की अभिलाषा लेकर प्रस्तुत हुआ है। अहंकारी का अहंकार? हाँ पार्वती, विश्व विजय तथा तीनों लोकों का स्वामी बनने का स्वप्न देखने वाला लंकेश्वर रावण आज कैलाश भूमि पर अपने अहंकार के साथ उपस्थित हुआ है। ऐसा अहंकार मैंने आज तक किसी वीर का ऐसा शक्ति प्रदर्शन नहीं देखा। ये प्रदर्शन युग परिवर्तन की सूचना भी है देवी पार्वती। युग परिवर्तन की सूचना? हमने आपसे कहा था ना देवी कि इस नवीन त्रेता युग में असुर तथा अशुभ शक्तियां अत्यधिक शक्तिशाली होकर उभरेंगी। आपने तो ये भी कहा था स्वामी कि परिणाम कितने भी अधिक घातक क्यों ना हो, विजय सत्य की ही होगी। हाँ देवी, अंत में विजय सत्य की ही हो। क्या इससे घातक परिणाम हो सकते हैं स्वामी, कि किसी दुष्ट के अहंकार से जगत के स्वामी का सिंहासन डोलने लगे? अहंकारी लंकेश्वर को उसके दुस्साहस का उचित दंड दें स्वामी। तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए हम कैलाश को इसी क्षण स्थिर किए देते हैं। स्थिर करने से लंकेश्वर को उसकी दुष्टता का दंड कैसे मिलेगा स्वामी? दुष्ट की दुष्टता
उसके अहंकार में छिपी होती है। कैलाश के स्थिर हो जाने से उसका अहंकार खंडित हो जाएगा, जिससे उसे सत्य का ज्ञान स्वतः ही हो जाएगा। लो, हम कैलाश को इसी क्षण स्थिर किए देते। ज्ञान हुआ ना मूर्ख, तेरा अहंकार तो ध्वस्त हो गया दुष्ट। अब यदि प्राणों की रक्षा का इच्छुक है तो पुकार शिव शंकर को। देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ संपूर्ण जगत के स्वामी है, अजर अमर है। भोलेनाथ को उत्तेजित कर तूने अपने सर्वनाश को निमंत्रण दिया है रावण। बरात पर ब्रह्म शिव शंकर के क्रोध से इस संसार में तेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता रावण। शिव गणों, मैं तुम्हारे शिव को पुकारने के स्थान पर ब्रह्मा से पूछूंगा कि उन्होंने मुझे इतना शक्तिहीन वरदान क्यों दिया। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, परमपिता ब्रह्मदेव मेरी पुकार सुने। ब्रह्मदेव, यदि आपने मेरी पुकार ना सुनी तो मैं आपका नाम लेकर आत्महत्या कर लूंगा और एक ब्राह्मण की हत्या का पाप आपके मस्तक पर लगेगा। ब्रह्मदेव, आपके मस्तक पर। ब्रह्मदेव, यदि आपने मेरी पुकार ना सुनी तो मैं आपका नाम लेकर आत्महत्या कर लूंगा। जागे स्वामी, जागे। रावण के हट से तो आप भली भांति परिचित हैं। आपकी कठोर तपस्या के समय इसी दशानन ने आपको प्रसन्न करने के लिए अपने 9 मस्तकों की बलि दी थी। जागे स्वामी, जागे। मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ परमपिता। आप तो वाग्देवी माँ सरस्वती के स्वामी हैं। कोई ऐसा उपाय निकालिए जिससे कि आपके वरदान को प्राप्त रावण पर आया संकट टल जाए, अन्यथा मैं स्वयं अपने प्राण त्यागने जा रहा हूँ। ब्राह्मण हत्या के दोष से सावधान ब्रह्मदेव, सावधान। वाग्देवी सरस्वती, यदि आप अपने पति परमेश्वर को ब्रह्म हत्या के दोष से बचाने की इच्छुक हैं तो लंकेश्वर रावण की सहायता करें। उचित यही होगा क्या आप उसके जवाब पर स्वयं विराज कर उसके अहंकारी वाणी को नियंत्रित कर। ऐसा आदेश क्यों स्वामी? यह आदेश नहीं है देवी सरस्वती, मन में बसे शिव शंकर प्रसन्न करने का प्रयत्न। अर्थात? अर्थात जिस वाणी पर परम शिव आराधिका वाग देवी सरस्वती का नियंत्रण है उससे तो अमृत रूपी शिव भक्ति की निर्जर गंगा बह उठे। शीघ्रता करें देवी सरस्वती, अहंकारी लंकेश्वर रावण भयंकर हठी है। अवश्य स्वामी। ब्रह्मदेव, मां सरस्वती, मुझ पे आया संकट दूर करो। तुमने आशुतोष भगवान शिव शंकर की महानता का बखान बंद क्यों कर दिया शिवगणों? मुझे विश्वेश्वर की अमृत कथा का रसपान कराओ शिवगणों। चकित न हो शिवगणों, मेरी मूर्खता को
क्षमा करें। इस संसार का हर प्राणी शिव इच्छा से जन्मा होने के कारण शिवगण है, इसलिए तुम मेरे मित्र हो, बंधु हो, भ्राता हो। कहो कहो, भगवान शिव की अमर कथा कहो। शिव भक्त परिवार में तुम्हारा स्वागत है लंकेश्वर रावण। दशानन, हमारा तो अंग अंग शिव भक्ति में ही डूबा हुआ है। आज प्रथम बार तुमने शिव भक्त परिवार को स्वीकार किया है, इस कारण आज हम तुम्हारे मुख से शिव भक्ति का नया अध्याय सुनने के इच्छुक हैं। अवश्य बंधु, अवश्य। नारायण नारायण। भक्त रावण, भोलेनाथ प्रभु, भोलेनाथ शिव शंकर त्रिलोकी नाथ, आशुतोष भगवान शिव शंकर, देवों के देव महादेव भोलेनाथ। इस संसार में जन्म लेने वाला कोई भी जीव आपकी महिमा से अपरिचित नहीं होता। मैं अभागा भी आपकी महिमा से पूर्व परिचित था, परंतु मेरे मिथ्या अहंकार ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था भोलेनाथ। ज्ञात होते हुए भी मैंने आपकी महानता को चुनौती देने का दुस्साहस किया। मेरी दुष्टता क्षमा योग्य नहीं आशुतोष, मुझे दंड दे, मुझे दंड दे भोलेनाथ, मुझे दंड दे। पश्चाताप का निर्मल जल हर कलंक को धो देता है लंकेश्वर। तुम्हारे भक्ति भाव को देखकर हम प्रसन्न हुए। तब इस दुष्ट पापी अहंकारी रावण को अपने तुच्छ भक्त के रूप में स्वीकार करें। तुम्हारे सम्मुख हमारी उपस्थिति यही प्रमाणित करती है दशानंद कि हमने तुम्हें भक्त के रूप में स्वीकार कर लिया है। उठो रावण, तुम्हारे द्वारा रचित यह स्तोत्र शिव तांडव स्तोत्र के नाम से चिरकाल तक प्रसिद्ध रहेगा तथा शिव भक्तों को प्रेरणा प्रदान करेगा। आशुतोष भगवान शिव शंकर की जय। जगदीश्वर भगवान शिव शंकर की जय। हम तुम्हें वरदान देने को उत्सुक है रावण, अपने योग्य कोई भी वरदान मांगो। दंडित करने के स्थान पर वरदान, वास्तव में आप महान हैं भोलेनाथ, देवादिदेव महादेव। मेरे योग्य आप जो भी समझे वही मुझे प्रदान करें। लंकेश्वर रावण, लो ये चंद्रहास खड़क धारण करो, ये तुम्हारी शत्रुओं से रक्षा करेगा। किंतु स्मरण रहे लंकेश्वर, यदि तुमने इसका दुरुपयोग करने की चेष्टा की तो यह तुम्हें निशस्त्र कर हमारे पास लौट आएगा। मुझे ऐसा आशीर्वाद दे भोलेनाथ कि मेरा अंग अंग आपकी भक्ति का गुणगान करे, मेरा सर्वस्व आपकी महानता का गुणगान करें। आप जैसे दयालु भक्त वात्सल्य के दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया, धन्य हो गया भोलेनाथ। आशुतोष भगवान शिव शंकर की जय। भगवान शिव शंकर की जय। जगदीश्वर भगवान भोलेनाथ की जय। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। आश्चर्य है,
घोर आश्चर्य। लंकेश्वर रावण, आपको ये कैसे ज्ञात हो गया कि मैं ही देवऋषि नारद हूँ? आपका और मेरा परिचय इससे पूर्व तो कभी हुआ नहीं। आप जैसे महानुभाव को परिचय की आवश्यकता ही नहीं है, आप तो चर्चा से ही प्रचलित और परिचित हो जाते हैं। नारायण नारायण, अर्थात? अर्थात मेरे पिता महामुनि विश्वरूपा के मुख से मैंने आपके अनेक कथाएं सुनी हैं। बालकाल से ही मेरे मन में आपके दर्शनों की अभिलाषा थी। आज आपने स्वयं दर्शन देकर मेरी अभिलाषा पूर्ण कर दी। नारायण नारायण। लंकेश्वर, आपसे परिचय होने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि आज से पूर्व आपके विषय में जो कुछ भी सुना था सब मिथ्या था। नारायण नारायण। आपने मेरे विषय में क्या सुना था देवर्षि? यही कि श्रेष्ठ तथा विशुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी आप में राक्षसी अंश अधिक है। वीर होने पर भी आप अहंकारी और अत्याचारी है। देवर्षि नारद। नारायण नारायण। लंकेश्वर, इस समय आपने जो विनम्रता का आवरण ओढ़ रखा है, कहीं वो भगवान भोलेनाथ की भक्ति का प्रभाव तो नहीं है? आपकी ये विनम्रता कहीं क्षणिक सिद्ध तो नहीं होगी ना? नारद। नारायण नारायण। अर्थात शिव भक्ति का प्रभाव समाप्त हुआ और आप पुनः मिथ्या अहंकार के शिखर पर पहुंच गए लंकेश्वर। देवर्षि नारद, क्या आप यहाँ मेरा अपमान करने के लिए प्रकट हुए हैं? नहीं नहीं लंकेश्वर, मैं तो यूं ही आपको मिलने की उत्सुकता वश ही यहाँ प्रकट हो गया था। ये कैसी उत्सुकता है जो मुझे अपमानित करने का दुस्साहस कर रही है? नारायण नारायण, आप इसे अपना अपमान क्यों समझते हैं लंकेश्वर? मुझे सत्य असत्य का ज्ञान भलीभांति है देवर्षि। आप मुझे अपनी चतुराई का पाठ पढ़ाने की चेष्टा कदापि न करें। अब आपका क्रोध ज्वालामुखी का रूप धारण कर आपको भस्म करने लगा है। मैं यहाँ से अदृश्य हो रहा हूँ। नारायण नारायण। अदृश्य होकर तुमने अपनी प्राण रक्षा कर ली नारद, अन्यथा भोलेनाथ के इस दिव्य चंद्र हास खड़क का उद्घाटन अभी यही हो जाता। मूर्ख रावण, क्या तुझे इतना भी ज्ञात नहीं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से नारद को अभय का वरदान प्राप्त है? नारायण नारायण। अपने क्रोध पर संयम रखो रावण, अन्यथा तुम कदापि सर्व सिद्धियां प्राप्त नहीं कर पाओगे। नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। ॐ नमः शिवाय।